ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू दी भारद्वाज एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है, हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। यानी कि इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है और केमिकल इक्वेशंस क्या होती है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। सो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? अगर हम सिंपल तरीके से बात करें, हमने पढ़ा है कि देर आर टू काइंड ऑफ चेंज, वन इज फिजिकल चेंज, वन इज केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज, जैसा कि आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, एक ऐसा चेंज जिसको हम ऑल्टर ना कर सकें। और फिजिकल चेंज वो चेंज होगा जिस प्रोसेस को हम रिपीट कर सकें। जैसे कि आप पानी को गर्म करते हैं, सो बॉइलिंग ऑफ वाटर, और फिर उसको कूल करेंगे, अगेन इट विल कन्वर्ट इनटू द वाटर, सो दैट इज़ कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। बट केमिकल चेंज क्या होगा? जैसे कि दूध से दही का बनना, कर्ड फ्रॉम मिल्क, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल चेंज। तो उस केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने के तरीके को, यानी कि वो जो प्रोसेस होगी, द प्रोसेस अंडर विच दैट हैपन्स फ्रॉम मिल्क टू कर्ड, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। सो केमिकल चेंज बेसिकली क्या होगा? एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर एक रिएक्टेंट होगा और उससे प्रोडक्ट बनेगा। सो दैट मीन्स अगर आपके पास रिएक्टेंट्स हैं और उन रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, आपका प्रोडक्ट बन रहे हैं। जैसे कि आपका ये ए प्लस बी है, सी प्लस डी। जैसे कि आपने मिल्क लिया और उसमें कुछ एसिड डाल दिया, तो क्या इसमें कन्वर्ट हो गया वो कर्ड में। सो दैट काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हम किसी रिएक्टेंट को या कुछ रिएक्टेंट को मिला के एक प्रोडक्ट को फॉर्म कर लेते हैं या प्रोडक्ट मिलते हमें, तो ऐसी चीज़ कहलाती है, ऐसी प्रोसेस कहलाती है केमिकल रिएक्शन। आई होप समझ आ गया होगा केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। केमिकल वर्ड उसी चीज़ से आएगा जिसमें केमिकल्स मिलते हैं और एक नए प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। सो केमिकल्स का मिलना और एक नए प्रोडक्ट का फॉर्म होना, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब इसके फर्दर हम जब आगे चलते हैं तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम आपके एनसीईआरटी में तीन एक्टिविटी दे रखी है। ठीक है, सो लेट मी राइट द एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी क्या है आपकी, पहली एक्टिविटी है आपकी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। उसमें एक खास इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि जब भी आप केमिस्ट्री का कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको अपने टीचर की या अपने सुपरवाइजर की ऑब्जर्वेशन में ही करना होता है। तो ये एक सिंपल सा है, अगर आपके पास एक मैग्नीशियम का रिबन है, लेट्स सी दिस इज द मैग्नीशियम रिबन, इसको आपने पकड़ लिया, एक टॉन्ग से इसको आपने पकड़ा हुआ है और यहाँ पर आपने एक स्प्रिट लैम्प ले ली, एक स्प्रिट लैम्प, और इससे आप इसको जला रहे हो। सो क्या होगा, ये जो मैग्नीशियम का रिबन होगा, दैट विल कन्वर्ट इनटू, आफ्टर सम टाइम, अगर आप एक ग्लास पे इसको कन्वर्ट कर लो, यहाँ पे एक वो एक वॉच ग्लास ले लो, एक कांच का ग्लास ले लो, तो उसके अंदर कुछ पाउडर सब्सटेंस जमा हो जाएगा, जैसे नजर आएगा पाउडरी सब्सटेंस। सो वो जो पाउडर सब्सटेंस होगा उसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। वर्चुअल में क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो दिस इज अ केमिकल चेंज। अब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम को ऑप्टेन नहीं कर पाएंगे, इसमें एक स्पेशल प्रिकॉशन भी होती है, जब आप इसको रिएक्शन करवाने के लिए जा रहे हैं तो आपको पहले से सैंड पेपर से रब करना पड़ेगा, इसको क्लीन करना पड़ेगा ताकि रिएक्शन जल्दी हो जाए। नॉर्मली क्या होता है, जब हम किसी मेटल को एक्सपोज करते हैं एयर में तो वो कुछ रस्ट हो जाता है, तो उस रस्ट को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक सैंड पेपर से उसको रिमूव करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी कि जब हम एक मैग्नीशियम के रिबन को लेंगे, उसको जलाएंगे, जलाने पे क्या बन जाएगा, हमारे पास में एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी कि आपने रिएक्टेंट को लिया और उसे प्रोडक्ट को
फॉर्म कर लिया। सो मेरे हिसाब से पहली एक्टिविटी क्लियर है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड एक्टिविटी। ओके, तो सेकंड एक्टिविटी हमारी क्या है कि अगर हम एक रिएक्टेंट ले लें, हम लेड नाइट्रेट ले लें और पोटेशियम आयोडाइड को ले लें, यानी कि आपका ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर आपने क्या रखा है, लेड नाइट्रेट ले रखा है, क्या रखा है, लेड नाइट्रेट, ऊपर से आपने कुछ ड्रॉप डाली किसकी, पोटेशियम आयोडाइड की, पोटेशियम आयोडाइड। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये दोनों रिएक्शन करेंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, हमें मिल जाएगा लेड आयोडाइड और प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास, पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर रिएक्शन हुई, क्या हुई, यहाँ पे एक रिएक्शन हुई, उस रिएक्शन में क्या होता है, एक्चुअल में पोटेशियम आयोडाइड जो है वो रिएक्शन करेगा लेड नाइट्रेट के साथ में, और ये इनिशियली कैसा है, कलरलेस है, कैसा है, कलरलेस। अब कलरलेस से क्या बन गया, यहाँ पे आपको येलो कलर मिल जाएगा, इसका जो कलर होगा कैसा होगा, वो येलो कलर का, यानी कि यहाँ पे आपने एक दो रिएक्टेंट लिए, उनको आपस में कंबाइन किया, तो उसमें आपका कलर भी चेंज हो गया, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ और ये प्रेसिपिटेट होगा, क्या होगा, ये प्रेसिपिटेट, क्या है ये, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस विच इज़ ऑब्टेन इन द रिएक्शन, यानी कि एक ऐसी चीज़ लास्ट में आके आपकी जमा हो जाएगी नीचे बॉटम में जाके, जिसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, क्या बोलते हैं इसको, प्रेसिपिटेट का मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस ऑब्टेन इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है, उस प्रोडक्ट में कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस नीचे जम जाएगा, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है इस एक्टिविटी से, कि आपका एक कलरलेस सब्सटेंस जो है वो कलरफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, प्लस आपके ये जो रिएक्टेंट है आपस में कंबाइन होके वो क्या कर रहे हैं, एक प्रेसिपिटेट को फॉर्म कर रहे हैं। दिस इज एक्टिविटी नंबर टू, आई एम श्योर समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत है तो कमेंट में जाके अपना आप लिख सकते हो। अब आती है एक्टिविटी नंबर थ्री। एक्टिविटी नंबर थ्री में क्या है कि आपके पास जिंक ग्रैनुल्स हैं, आपके पास जिंक के छोटे छोटे दाने हैं, उन दानों को आपने किसके साथ मिला दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यानी कि आपने ये दो रिएक्टेंट ले लिए, लेट्स से ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका ये एसिड है, क्या है ये, एसिड HCl, ऊपर से आपने कुछ ड्रॉप डाली। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये एक्टिविटी आपको हमेशा किसी ना किसी के सुपरविजन में ही करनी है, अपने आप से खुद ट्राई नहीं करनी, बिकॉज ये दिस इज़ द एसिड एंड इट कैन हार्म यू, सो मेक श्योर कि आप किसी टीचर या किसी सुपरवाइजर की हेल्प के साथ इसको परफॉर्म करेंगे। ऊपर से आपने जिंक के कुछ दाने, कुछ ग्रेन्स को डाला, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, यहाँ पे आपका जो है ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका जिंक क्लोराइड, और यहाँ से एक गैस निकलेगी, वो गैस किस चीज़ की होगी, हाइड्रोजन गैस। सो पहली एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, दूसरी एक्टिविटी में हमने क्या देखा, प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ प्लस कलर चेंज हुआ, तीसरी एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक एसिड के साथ में एक गैस का एवोल्यूशन भी हुआ,
यानी कि अभी तक हमने क्या चीज़ देख ली यहाँ पे कि कलर चेंज होता है और प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। और प्लस अगर मैं इस टेस्ट ट्यूब को टच करके देखूँ तो ये थोड़ी सी वार्म होगी, गर्म होगी। अगर मैं इस टेस्ट ट्यूब को टच करूँगा तो ये मुझे गर्म महसूस होगी, जिससे मुझे क्या पता चलता है कि इस रिएक्शन के अंदर हीट भी निकलती है, रिएक्शन के अंदर हीट भी निकलती है। अब एक एक्टिविटी और भी है कि अगर हम एक्टिविटी नंबर, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट हम अलग से कर लेते हैं, एक्टिविटी क्या है, बर्निंग ऑफ कैंडल। अगर ये आपकी एक कैंडल है और उस कैंडल को आप जला रहे हो तो क्या होगा, इनिशियली जो आपका वैक्स है वो तो कैसा है, सॉलिड है, बट इस कम्बशन की वजह से ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में। और लिक्विड के बाद क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ये गैस पे। तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्टेट का भी चेंज होता है, क्या है ये, चेंज इन स्टेट, यानी कि यहाँ से स्टेट भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये चार एक्टिविटी के बेसिस पे हमारा एक मेन टॉपिक आ गया जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसके अंदर कुछ अपनी अपनी विशेषताएं होंगी। ठीक है, फटाफट से लिखते हैं हम यहाँ पे कैरेक्टर स्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी। तो अभी अभी सबसे लास्ट हमने क्या पढ़ा, चेंज इन स्टेट, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी सो इट मे और मे नॉट चेंज द स्टेट, हो सकता है चेंज स्टेट हो या ना हो बट हो सकती है। अभी हमने पढ़ा इससे पहले वाली में चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, फिर आता है एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर आपको ध्यान हो वाली एक्टिविटी, जब मैंने सेकेंड एक्टिविटी की थी उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ठीक है, और एक है आपका चेंज इन कलर। तो अगर ध्यान से देखिए इन पांचों के पांचों पॉइंट को हमने तीन चार एक्टिविटी में डिस्कस कर लिया। चेंज इन स्टेट हमने क्या एग्जांपल लिया था, बर्निंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ वैक्स। चेंज इन टेम्परेचर हमने किसका लिया था, एसिड प्लस मेटल, और या तो हमने एसिड को लिया प्लस जिंक को लिया था तो वहाँ पर हीट भी निकली थी। एवोल्यूशन ऑफ गैस वो भी इसी के अंदर आई थी। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट अगर आपको याद हो, लेड नाइट्रेट वाला एग्जांपल था, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। और चेंज इन कलर अगेन लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारा केमिकल रिएक्शंस का। मतलब एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते, स्टार्टिंग से हमने क्या पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन वो चीज़ होती है जिसके अंदर कोई भी रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, उनको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर दो चीज़ मेन पार्ट होती हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब वो दोनों जुड़े होते हैं एरो से, उनके बीच में क्या होता है, एरो, यानी कि ए बी, दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फिर हमने बात की तीन एक्टिविटीज़ की, एक्टिविटीज़ हमने मेनली पढ़ी, किस किस की एक्टिविटी पढ़ी, हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जिससे उसका क्या हुआ, वो पाउडर में कन्वर्ट हो गया। फिर हमने पढ़ा पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट वाला, जिसके अंदर एवोल्यूशन ऑफ क्या हुआ, वहाँ पे हीट निकली और प्लस वहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ और क्या हुआ, वहाँ पे कलर चेंज हो गया। फिर हमने पढ़ा था किसके बारे में कि अगर हम जिंक के ग्रैनुल्स को लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में तो वहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है प्लस हीट भी निकलती है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं आपके कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो हम यहाँ पे देख के ईजिली बता सकते हैं कि चेंज इन स्टेट होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है और चेंज इन कलर।
ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी, क्योंकि हमने वीडियो बहुत शॉर्ट सी बनाई है ताकि बच्चों को इंट्रोडक्शन मिल जाए, इसका आइडिया मिल जाए। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे चलेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में, या जो भी आपका नेक्स्ट टॉपिक हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आपका कमेंट सेक्शन बिल्कुल ओपन है, जाके उसमें कुछ भी लिख सकते हो आपके, सर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपने बताया ये चीज़ समझ नहीं आई, तो मोस्ट वेलकम, ठीक है। और अगर आपके पास कोई डाउट है, फटाफट हम एक एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। जब भी हम वीडियो ख़त्म करेंगे उसके बाद में हम एक क्वेश्चन लिखेंगे, एक या दो क्वेश्चन लिखेंगे या चार या पांच क्वेश्चन लिखेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन आपका राइट थ्री एक्टिविटीज इन योर ओन वर्ड्स एंड कंक्लूड देम, यानी कि आपको तीनों तीनों एक्टिविटीज़ को अपने आप लिखना है और उनको कंक्लूड करना है कि उनसे आपको क्या समझ में आया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आपका मन करे तो अपने अपने दोस्तों से इसको शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच, इन्जॉय योर डे।